चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना क्लास ए बी सिंह वर्ल्ड पे। आज 3 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि याहू डॉट इन के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है याहू डॉट इन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको, याहू डॉट इन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है मोहित गोयनका। ये नाम याद रखिएगा। अब बात हो रही है याहू डॉट इन की, तो देख लेते हैं। याहू डॉट इन की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया शहर, आप जानते हैं कि अमेरिका का एक शहर है। और इसके जो स्थापनाकर्ता थे वो थे जेरी यंग और डेविड फिलो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है, पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। अभी हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, आपको बताना है यह कब मनाया गया। तो चलिए बताते हैं हम इसको, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो अब इसका कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका एक थीम भी होता है। तो इसका थीम क्या है, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, यह इसका थीम है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि किस संस्था द्वारा इसको मनाया जाना शुरुआत की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिटीजन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1990 से इसकी शुरुआत हुई है, यानी इसे मनाने की शुरुआत 1990 से की गई है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के दृष्टि से। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, हर घर जल योजना का शुभारंभ, कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह हर घर जल योजना का शुरुआत किया गया है। अब ये कहाँ किया गया दोस्तों, ये बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का एक बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ पर इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं कि यह योजना में है क्या। इस योजना में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी घर हैं, हर घर को नल से जोड़ा जाएगा, यानी हर घर में नल की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। तो चलिए अब बात हो रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह इलाहाबाद में है, जिसे सॉरी प्रयागराज में है, और उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी हैं। अब यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में जो सीटें हैं वो 80 हैं, राज्यसभा में जो सीटें हैं वो 31 हैं, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सीटें हैं 404 हैं। ये बात हो गई। अब उत्तर प्रदेश देखिए 8 राज्यों से टच है, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से जुड़ी हुई है, उसको देख लेते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये 4 हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, अगर दिल्ली को मिला दिया जाए तो 9 हो जाता है, लेकिन दिल्ली चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए हम लोग उसको राज्यों में शामिल नहीं करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बात हो रही है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया, ये नया क्वेश्चन भी है, आप लोग पहली बार शायद सुन रहे होंगे। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया, यह भी दोस्तों 1 मार्च को ही मनाया गया है और ये यूनाइटेड नेशन ने इसको मनाने की शुरुआत की है। यूनाइटेड नेशन ने जो आपस में भाईचारा, प्रेम व्यवहार का जो निरंतर कमी होती जा रही है, इसको बढ़ावा देने के लिए शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 1 मार्च को। अब बात हो रही है यूएन की,
तो यूएन को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, और इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें कुल 193 देश इसके सदस्य हैं। और यूएन के महान वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस, इसको याद रखिएगा यह नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिर्च महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मिर्च महोत्सव बहुत ही अच्छा महोत्सव था, मिर्च महोत्सव। इसमें किसानों को मिर्च की नई नई प्रजातियों के बारे में, मिर्च उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो यह मध्य प्रदेश में किया गया था। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान CM कमलनाथ जी हैं और वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल जी हैं। और मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश के भी 5 पड़ोसी राज्य हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कुछ हैं जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको भी देख लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और इंदिरा प्रियदर्शनी पेच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश से। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा ये आपको बताना है। तो विश्व उत्पादकता कांग्रेस या 19वां कांग्रेस है, विश्व उत्पादकता कांग्रेस या 19वें नंबर का है, तो इसका आयोजन आपके शहर भारत में, आपके देश भारत के बंगलुरु शहर में किया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला और अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि किस शहर को 1 मई 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दिया जाएगा? यानी कि वह कौन सा शहर है जिसका हम लोग ये टारगेट फिक्स करके चल रहे हैं कि 1 मई 2020 तक उसको सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दिया जाएगा? तो वो शहर है दोस्तों आपका फिल्म सिटी मुंबई, जिसको हम लोग फिल्म सिटी भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही, आज का क्लास सिर्फ इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ABC सिंह वर्ल्ड चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।